हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और साथ ही साथ ये कंप्लीट यूट्यूब का जो कंप्लीट वीडियो है, यूट्यूब की कंप्लीट वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको यूट्यूब के रिलेटेड आपको सब कुछ बताया जाएगा कि यूट्यूब को किस तरह ज्वाइन करना है, किस तरह अपने चैनल बनाना है, किस तरह आपने जीमेल आईडी वगैरह बनानी है। और इसके अंदर इस वीडियो में मैं और भी बातें बहुत ज़्यादा शामिल करूँगा जो पहले आपको नहीं बता दी जाती यूट्यूब कोर्स में। मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कॉपीराइट क्लेम, ये सारा आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद फ्री म्यूजिक, कहाँ से यूट्यूब के अपने म्यूज़िक हैं, बहुत से लोग ना पता फ्री म्यूज़िक इस्तेमाल करते तो हैं फ्यू, लेकिन जो उनका म्यूज़िक होता है ना वो किसी और वेबसाइट से होता है और वो यूट्यूब का नहीं होता, इसलिए उनको कॉपीराइट क्लेम मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से वो कुछ पर उनके चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, इस वजह से वो उनके चैनल बहुत पीछे रह जाते हैं, मोनेटाइज नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपको फ्री म्यूज़िक भी बताऊंगा कहाँ से लेना है, वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, वीडियो को एडिट करने से कि आपको क्या फ़ायदा होता है यूट्यूब पे। वीडियो एडिटिंग मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है यूट्यूब के रिलेटेड, वो किसी अलग वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि वीडियो एडिट करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। वीडियो एडिट करने से आपकी वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती है, आपकी वीडियोस के रैंक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं आपको वीडियो रैंकिंग का तरीका बताऊंगा, वीडियो को रैंक किस तरह करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, वो तो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये बताऊंगा किस तरह। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंड स्क्रीन और कार्ड्स किस तरह ऐड करने हैं। प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, प्लेलिस्ट क्रिएट किस तरह करनी है, और चैनल की कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। चैनल आपने कस्टमाइज़ किस तरह करना है ये आपको कंप्लीट इसके ऊपर डिटेल मिलेगी। ये तो अभी मैंने टॉपिक्स लिखकर आपको बताए हैं, लेकिन ये सारी रिटर्न फॉर्म में आपको डिटेल भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको इसी वीडियो के अंदर समझाया भी जाएगा। जैसा मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये टॉपिक मैंने बनाया भी था, ये देख सकते हैं, इतना आपको रिटर्न डिटेल मिलेगी आपको सारी से, और साथ ही साथ आपको समझाया भी जाएगा कि ये आपको टॉपिक लिख के आगे उसको समझाया जाएगा कि किस तरह आपने मॉडिफाई करना है, किस तरह उसको अच्छी तरह से अपने सर अंजाम देना है। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जीमेल आईडी तो सबको बनानी आती है, लेकिन आज मैं आपको रिटर्न फॉर्म में तरीका बता दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। कभी कभार आपको नहीं भी आती, इसलिए वो बाद में मुश्किल होती है, तो आप इसको सेव कर लें क्योंकि जीमेल की आईडी बनाने में और मोबाइल के अकाउंट के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एक तो आप बनाते हैं जीमेल की आईडी, वो क्रोम से सिंपली बना देते हैं, लेकिन उसको मोबाइल के साथ किस तरह कनेक्ट करना है सबसे मेन वे, मैं आज इस वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा जो कि कोई नहीं बताता। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट रिटर्न तरीका बताऊंगा, कॉपीराइट क्लेम के बारे में आपको गाइड करूंगा, कॉपीराइट क्लेम किस तरह आता है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, यूट्यूब के कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट यूट्यूब YouTube चैनल कोर्स बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें आपको साथ साथ सारी डिटेल मैं और भी आपको शुरू में इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना हो, आपको कम्प्लीटली तौर पर पता चल जाए। मैं YouTube का जो आपको कम्प्लीट जो डिटेल वगैरह है वो बताऊँगा, YouTube किस तरह वर्क करता है, किस तरह YouTube स्टूडियो के बारे में आपको गाइड करूँगा, और भी ज़्यादा साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन चलती रहेगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि YouTube के रिलेटेड यहाँ पर कोर्स वगैरह सिखाए जाएंगे, इसलिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अब कंप्लीट कोर्स का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया इस वीडियो में कि हम क्या क्या करेंगे,
ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी हमारे टॉपिक्स हैं जैसे चैनल की कस्टमाइजेशन होगी, बहुत से लोगों को वाइटी स्टूडियो नहीं चलाना आता, वाइटी स्टूडियो किस तरह वर्क करता है, क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिएटर स्टूडियो अब यूट्यूब ने ख़त्म कर दिया है, क्रिएटर स्टूडियो यूट्यूब की तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब वाइटी स्टूडियो और मोबाइल वाला, वाइटी स्टूडियो मोबाइल पे भी और दूसरा भी है जो क्रोम में अवेलेबल होता है, वो वाइटी स्टूडियो तो चलाना आता है, मोबाइल वाला यूज़ करना नहीं आता। इसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन वगैरह की गई हैं, मैं सारा आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको थंबनेल भी बनाना बताऊंगा कि थंबनेल किस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि आपकी वीडियोस को रैंक कराने में जो मेन रोल ही थंबनेल का होता है, थंबनेल के भी रोल आपको बताऊंगा, आपको टाइटल का रोल बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन का रोल बताऊंगा आपको, मैं टाइटल टाइटल का भी रोल बताऊंगा, और टाइटल का ये रोल होगा। फिर उसके बाद थंबनेल का बहुत अच्छा रोल होता है, ग्रो योर चैनल, किस तरह चैनल को ग्रो किस तरह करना है, ये भी ये सारा मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये है, हमारा ये टॉपिक है, ये देखिए सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है। हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर कर पहले मैं आपको इसको सारा बनाना सिखाऊंगा, कंप्लीट रिटर्न फॉर्म में तरीका बताऊंगा, और मैं आपको यहाँ से ये देखिए यहाँ से जाकर आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरह एक्सेस करनी है, किस तरह पासवर्ड, किस तरह जीमेल, किस तरह क्रिएटर अकाउंट, किस तरह आपने बनाना है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं रिटर्न फॉर्म में तरीका बता देता हूँ, ताकि आप वो सेव कर लें, और आपको जब भी वीडियोस आप बाद में वो देखें तो फिर आप वहाँ से आसानी से मोबाइल के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, चलिए अब मैं आपको पहला तरीका हाउ टू क्रिएट द जीमेल आईडी, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा स्ट्राइक्स वगैरह के बारे में, कॉपी राइटर स्ट्राइक किस तरह की होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स किस तरह की होती है, चैनल क्रिएट करना बताऊंगा किस तरह, और वीडियोस अपलोड करना आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हमारा आज का टॉपिक जो है यूट्यूब के रिलेटेड है, यूट्यूब कंप्लीट कोर्स, यूट्यूब चैनल, अब मैं इसको जो आपको पहला है मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ कि आप, ये मेरे पास टॉपिक है, चलिए अब जो वो पहला जो है टॉपिक कि हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी, चैनल को सबसे पहले बनाने के लिए आपके पास जीमेल आईडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जीमेल आईडी वो होनी चाहिए जो फेयर यूज़ हो, उससे कोई रॉन्ग एक्शन ना किया गया हो, जैसे किसी का चैनल हैक करने की कोशिश ना की हो, इसलिए फेयर यूज़ में आईडी आपने बनानी है, ताकि आपकी जो जो कम्युनिटी गाइडलाइन है आपकी वो अनेबल हो सके। और कंप्लीट मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये देखिए हमारे पास पहला टॉपिक ही यही है, हाउ टू क्रिएट अ जीमेल आईडी। सही, हमारे पास पहला टॉपिक क्या है यूट्यूब कोर्स में, हाउ टू क्रिएट अ जीमेल आईडी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मैं नंबरिंग तो नहीं दूंगा, नंबरिंग से ज़्यादा आप हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ लिख कर बता देता हूँ कौन कौन से किस तरह आप बना सकते हैं जीमेल आईडी। सही,
से सबसे पहले आपने मोबाइल से मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह आपने बनानी है। पहले आपके पास जो होना चाहिए मोबाइल फ़ोन से आपको मैं बनाने का तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ही ये होगा। सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन लेना है, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है आपने जाना है उसकी सेटिंग्स में आपने जाना है, ना कि आपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाकर भी बहुत से लोग बनाते हैं, ये रॉन्ग वे है। क्रोम में जाकर आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप क्रोम में जाकर बनाएंगे तो उससे आपके जो है शायद किसी मोबाइल में होता है कि आपकी जो होती है वो आईडी नहीं लगती, फिर उस पर मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होती। आपने सेटिंग्स में जाना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपने वो अडॉप्ट करना है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आपने फिर जाना है मोबाइल फ़ोन की आपने जाना है क्रोम में जाकर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपने आगे ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं आप भी देख सकते हैं, मैं सेटिंग्स में गया हूँ। आपने सेटिंग्स में जाकर आपने क्रोम में नहीं जाना, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में। फिर अगला जो काम करना है, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा गूगल का, आपने गूगल पे जाना है। चलिए मैं आपको यहाँ तक समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आपने जाना है गूगल का। नीचे आप स्क्रॉल करते रहेंगे ना तो आपको एक गूगल का आइकन नज़र आएगा, साथ ही गूगल लिखा नज़र आएगा। आपने वो गूगल खोल लेना है। गूगल खोल लेंगे तो आपके जो भी आपने जीमेल के अकाउंट अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं ना, आपके वहाँ पर वो आ जाएंगे सारे के सारे जीमेल के अकाउंट जो आपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किए होंगे। आपने मैनेज योर अकाउंट में जाना है और नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड अकाउंट। अगर आपने चैनल बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहली जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद जो पहले बनी हुई है वो भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आप इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आपने गूगल पे जाना है, ऐड अकाउंट पे जाना है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, इस तरह का। फिर उसके बाद अगर आपके पास जीमेल की आईडी पहले से बनी हुई है, जैसे बहुत से लोगों की जीमेल की आईडी पहले से बनी होती है, आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। सिंपली आपने जीमेल लगाना है, जीमेल लगा के आपने पासवर्ड लगाना है तो आपका गूगल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपका मोबाइल जो है उसके साथ जो जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं वो करना आ रहा, मतलब आप नया बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा किस तरह आप नया जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। पहले बहुत से लोगों के पहले अकाउंट जीमेल के बने होते हैं। अगर आपका पहला बना हुआ है जीमेल का अकाउंट, तो आप यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर जीमेल लिखें, उसके बाद पासवर्ड लिखें, नेक्स्ट कर दें, आपके जीमेल का अकाउंट बन जाएगा। इस तरह ही बन जाएगा जीमेल का, से जीमेल की आईडी आपके मोबाइल के साथ लग जाएगी। अगर आपका जो है दोबारा से आप जीमेल का बनाना चाहते हैं तो आपको जीमेल की आईडी बनानी पड़ेगी, फिर आप बना सकेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड जीमेल आईडी इफ़ यू हैव, अगर आपका जीमेल आईडी है तो उसको ऐड कर दें, या फिर
अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे दो ऑप्शन मांगेगा, फॉर माई सेल्फ और फॉर माई बिजनेस। बहुत से लोग अपने बिजनेस के लिए भी खोलते हैं। ये देखिए, ये आपके पास दो ऑप्शन वहाँ पर आएंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके पास ये इंटरफेस, ये क्रिएट अकाउंट, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। आपने जाना है फॉर माई सेल्फ के ऊपर, आपने सही। आप माई सेल्फ के लिए, मैं बिज़नेस के ऊपर आपको एक दफ़ा जाकर दिखा देता हूँ उस तरह का कि वो किस तरह, वो आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो जाएगा। आप बिज़नेस को ना करें, आप माई सेल्फ के लिए क्रिएट करें तो आपका चैनल जो है, आप इंडिविजुअल ओनर होंगे उसके। अगर बिज़नेस के लिए कहेंगे तो उसके अंदर आपको मैनेजर वगैरह भी रखने पड़ेंगे सबको। आप अकेले अपने जो चैनल है उसको रन करना चाहते हैं तो माई सेल्फ के ऊपर आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास आपसे आपके चैनल का नाम मांगेगा। चैनल का नेम आपसे मांगेगा, आपने चैनल का नाम बिल्कुल यूनिक देना है। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपने चैनल का नाम बिल्कुल यूनिक देना है। मैं इसके टॉपिक पर भी आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ, चैनल का नाम। ये देखिए, चैनल नेम फैक्टर्स, आपने अपनी रिलेटेड टू योर कैटेगरी, रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर टास्क, यूनिक नेम देना है आपने, वो नहीं देना। देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि चैनल का नाम आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, डबलिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा चैनल का नाम होना चाहिए और वो चैनल का नाम होना चाहिए आपकी कैटेगरी के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अगर आप बना रहे हैं टेक, टेक के रिलेटेड आपका चैनल होना चाहिए, टेक का नाम अंदर आना चाहिए। अब मैं आपको नाम लिख कर दिखाता हूँ मैं अपने चैनल का क्या नाम रखने लगा। आपके नाम दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो अच्छा है, अगर एक वर्ड पर यूनिक नेम मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर दो नाम, दो वर्ड्स का नाम होता है, इसलिए आप भी दो वर्ड्स को ही यूज़ करें। यूनिक रखें चैनल का नाम, अगर यूनिक नहीं होगा तो सर्चिंग में नहीं आएगा। अगर आपके चैनल का नाम यूनिक होगा, सर्चिंग में आएगा और ऊपर रैंक करेगा और आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। अगर आपने देखिए पहले, पहले भी अगर उस नाम का चैनल बना होगा, आप भी बना देंगे, तो फिर आपके चैनल को रैंक करवाना मुश्किल होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल का नाम यूनिक रखें। मैं आपको रख कर दिखाता हूँ, अब मैं रखने लगा हूँ वर्ड्स टेक। वर्ड्स टेक के नाम सर मैं अपने चैनल का नाम रखने लगा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा है। इसके ऊपर शायद सर्चिंग भी ज़्यादा हो। और अपने चैनल का नाम ये देखिए, मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चैनल बना रहा हूँ तो टेक मेरे नाम में शामिल है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी लिखने, तो मैं यूनिक बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं टेक लिखूँगा। और वर्ड्स टेक, ये थोड़ा सा नाम यूनिक लग रहा है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैनल है, इसलिए जो अपने चैनल का नाम अच्छी तरह से इंतखाब करें। देखिए, आप वर्ड्स भी लिख सकते हैं और पर्सनल वो भी डाल सकते हैं।
बंद कर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यूनिक नाम रखा है वर्ड्स टैग, वर्ड्स टैग। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगले ऑप्शंस आपने क्या सिलेक्ट करने हैं। आपने यहाँ पर नेक्स्ट की ऑप्शन पर मूव कर जाना है। ये देखिए आपको वेरिफिकेशन के लिए आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। आपने अप्लाई करना है तो कर दें, नहीं नेक्स्ट पे मूव कर दें। यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन का कोड मांगेगा, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे गूगल अकाउंट में वेरिफिकेशन का कोड नहीं मांगा जाता। इसके बाद वो आपसे कुछ चैनल का नाम आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद आपसे जो आपकी पर्सनल इन्फो है वो इसके बाद आपसे वो पर्सनल इन्फो आपकी मांगेंगे कंप्लीट। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या शामिल होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जो होगी डे डेट ऑफ बर्थ शामिल होगी, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपका जेंडर, जेंडर इंक्लूड होगा। इसी तरह से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद आपसे मांगा जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड मैंने आपको बताया है कि आपका पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको जो है वो कोई गेस ना कर सके आपका पासवर्ड क्या है। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। ये देख सकते हैं पासवर्ड, पहले मैं आपको दिखाऊं। मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके रखी थी ताकि मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर पाऊँ। मैंने आपके चैनल के नाम के बारे में तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको शेयर कर दी कि चैनल का नाम आपका किस तरह होना चाहिए। फिर हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द हैकिंग। हैकिंग से अवॉइड करने के लिए आपको पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर सिंबल्स यूज़ होने चाहिए, उसके अंदर आपने यूज़ करना है लेटर्स और वर्ड्स मुख्तलिफ तरह के, ये जो मैंने आपको करके दिखाए हैं। उसके अंदर आपकी काउंटिंग यूज़ होनी चाहिए इस तरह, ये देखिए। उसके अंदर आपके जो लास्ट लास्ट पासवर्ड है ये इस तरह का, आपका इस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए, ना कि सिंपल पासवर्ड जो आसानी से डिटेक्ट हो सके। ये देखिए इसके अंदर हम दिखा देते हैं आपको, काउंटिंग लेटर आपकी इस तरह की होनी चाहिए, काउंटिंग काउंटिंग भी बीच में यूज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको चैनल बनाकर तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं चैनल बताता हूँ आपको किस तरह क्रिएट करना है अपने चैनल। इस तरह पर आप बनाएंगे तो आपसे फिर बाद में मांगेगा पासवर्ड के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। फिर नंबर पर एक कोड आएगा, उसको आपने करना होगा वेरीफाई। वेरीफाई कर आपने आगे जाना होगा। उसके बाद आपसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ली जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। फिर उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर कर आपका अकाउंट इस तरह जीमेल का ये देखिए, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर, गूगल में जाकर, मैनेज अकाउंट में जाकर, ऐड अकाउंट में जाकर, फिर उसके ईमेल की आईडी अगर आपकी है तो ऐड कर दें। क्रिएट अकाउंट पे जाकर माय बिजनेस के लिए, माय सेल्फ के लिए आप माय सेल्फ के लिए चूज़ करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पासवर्ड, वेरीफिकेशन नंबर के कोड के साथ अपने वेरिफिकेशन देनी, इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन,
क्रिएट अकाउंट कर कर अपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर देना है। मैं आपको आगे यूट्यूब की ऐप पर जाकर आपको पूरा समझाता हूँ आपने आगे किस तरह मैनेज करना है और किस तरह आपने यूट्यूब पे चैनल को क्रिएट करना है, किस तरह वीडियो अपलोड करनी है, किस तरह सेटिंग्स वगैरह करनी है। मैं सारा आपको यूट्यूब की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर दिखाऊंगा, फिर आपको वीडियो अपलोड करने का भी वहाँ से एक दो तरीका बता दूंगा जिसके ज़रिए से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो मोबाइल की यूट्यूब मोबाइल पर ले जाता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल को बना लिया है। अब मैं आपको चैनल की कंप्लीट सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ। ये जो आपका ये आपका सबसे पहले होम पेज है, ये आप होम पेज देख सकते हैं, ये आपका होम पेज है जिसके अंदर आपके यूट्यूब के जो सारे मतलब हैं वो आपकी आती हैं। क्या जो होम पेज पर वीडियोज़ आपको सजेस्टेड होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आगे आते हैं एक्सप्लोर के ऊपर, एक्सप्लोर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस होती हैं, जो वीडियोस ट्रेंड कर रही होती हैं वो सारी एक्सप्लोर में आ जाती है जो ट्रेंडिंग पे होती हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, जिस किसी वीडियो को जिसकी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा वो यहाँ पर आएगी। जैसे मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इसको ये मेरी सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी। है आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया होगा सब्सक्रिप्शन में आ जाएगी। इसके बाद ये इनबॉक्स, इधर आपके जो यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन, आपको किसने मैसेज किया, किसने कमेंट किया, किसने आपको मेंशन किया, इस जगह पर सारा वो आता है आपका सिस्टम। उसके बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपकी हिस्ट्री एडिट होती है आपने क्या सर्च किया। उसके बाद डाउनलोडेड वीडियोस यहाँ पर आती हैं, आपकी वीडियोस यहाँ पर आती हैं। अभी आपकी कोई वीडियो नहीं है इसलिए आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी। वॉच प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पर आती है। तो उसके बाद ये जो ये प्लेलिस्ट है लाइव वीडियो, आप न्यू प्लेलिस्ट बना लें। ये देखिए प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपसे कहेगा चैनल बनाएं। सबसे पहले चैनल इस तरह बनता है, ये देखिए चैनल आपने क्रिएट चैनल फॉर द प्लेलिस्ट, आपने क्रिएट चैनल, आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। इतना आसान है चैनल का टाइटल क्रिएट करना। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट कोई बना लें जैसे यूट्यूब कोर्स, ये देख लें ये आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट होगी। अगर आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं प्राइवेट कर दें, डिलीट डिलीट करना चाहते हैं प्लेलिस्ट को डिलीट, वॉच ऑन टीवी हेल्प एंड फीडबैक के तौर पर इसको यहाँ से एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर लें। प्राइवेसी आप इसकी पब्लिक कर दें, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दें। इधर शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं ताकि आपकी वीडियोस रैंक हो, थंबनेल, टाइटल, कॉर्ड्स, जो 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 टॉपिक्स हैं इसके यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि इसके प्लेलिस्ट में ये टॉपिक्स हैं, इसको आप क्रिएट कर दें आसानी से। देखिए ये आपका वो क्रिएट हो गया। उसके बाद ये देखिए आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट होगी। यहाँ पर आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं जहाँ भी आप शेयर करना चाहें। अब मैंने आपको ये सारा समझा दिया, मैंने चैनल भी आपको क्रिएट करना बता दिया। आपका चैनल यहाँ पर होगा, यहाँ पर अपनी जो वो ऐड करेंगे, इधर आप वो ऐड करेंगे तो आ जाएगा आसानी से। आइकन और आर्ट ऐड करेंगे तो आसानी से यहाँ पर आपका चैनल सर्चेज में आ जाएगा। उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो ऐप भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मोबाइल पर टाइम वॉच्ड, आपने कितना टाइम वॉच किया देख सकते हैं।
आप यहाँ से देख सकते हैं आपने इस YouTube ऐप को कितनी देर आपने इस्तेमाल किया। आपने 0 मिनट एवरेज देख सकते हैं, सैटरडे को कितने मिनट्स आपने YouTube देखी, उसके बाद कितने घंटे और उसमें चल जाते हैं। तो लास्ट 2 डे आज कितनी, मतलब आपने देखे लास्ट 7 दिन में आपने YouTube पर कितने वॉच टाइम आपने गेन किया। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप टूल्स को मैनेज कर सकते हैं, रिमाइंड मी टू टेक ब्रेक, आप बता सकते हैं, मुझे याद करवा दें कि मैं 1 घंटे बाद ब्रेक लूँ, आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं एवरी आवर्स के बाद ब्रेक। उसके बाद ऑटो प्ले द नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हो उससे अगली वीडियो खुद ही बखुद प्ले हो जाए, उसको आप कर सकते हैं एनेबल। शेड्यूल एडजस्ट नोटिफिकेशन आपको देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन कब आए, 8 रात 8 बजे के बाद आपको नोटिफिकेशन आए, आप इसको एनेबल कर सकते हैं। ये सारे वॉच हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, तमाम तरह का डाटा यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेड मेंबरशिप, इधर मेंबरशिप से आप यहाँ से बाय कर सकते हैं कुछ भी। मेंबरशिप से आप वो सुपर चैट और सुपर सुपर स्टिकर बाय कर सकते हैं, जो क्रिएटर है उनको दे सकते हैं। इधर आपकी पेड मेंबरशिप शो होगी। स्विच अकाउंट किसी दूसरे जीमेल की आईडी पर जाना हो तो यहाँ से टर्न ऑन इंटेगानो मोड, यहाँ से आप मोड पे योर डाटा इन यूट्यूब, यूट्यूब में आपका डाटा देख सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग्स और हेल्प एंड टीम, और यूट्यूब टीम से कांटेक्ट करना हो अपने हेल्प एंड फीडबैक पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप उनकी टीम से देख सकते हैं आपको कौन सा इशू है। डाउनलोड यूट्यूब वीडियो टू एसडी कार्ड्स, ये देखिए आपको तरीके बताएंगे आपको तमाम तरह किस तरह सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर जाकर उनसे शेयर कर सकते हैं, पॉलिसीज उनकी देख सकते हैं, टर्म्स ऑफ द सर्विसेज देख सकते हैं आप उनकी। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाकर देख लेते हैं, सेटिंग्स इसकी कंप्लीट में आपको दिखाऊंगा किस तरह आपने सेटिंग्स करनी है। फिर मैं आपको चैनल आर्ट और आइकन बना के दिखाऊंगा, उसको लगा कर दिखाऊंगा किस तरह आपने लगाना है चैनल आर्ट और आइकन को। अपने जर्नल में जाना है, जर्नल सेटिंग्स आप देख लें, फिर आपको ऑटो प्ले की सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है। देखिए जर्नल सेटिंग्स से हम रिमाइंड मी टू टेक ब्रेक, अब जो मैंने वो जर्नल सेटिंग 1 घंटे बाद मुझे ब्रेक लेनी है, डार्क थीम अनेबल करना हो तो ये डार्क थीम अनेबल हो गया, इसको डिसेबल करना हो तो डिसेबल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मोबाइल डाटा, बहुत से लोग मोबाइल डाटा चलाते हैं तो HD वीडियोज़ आपकी वाईफाई पे ही चलेंगी, और जो आपके मोबाइल डाटा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 480p पे आपकी वीडियोस चलेंगी, HD पे नहीं चलेंगी। म्यूट प्लेबैक इन फीड आप ये देख सकते हैं, डबल टैप टू सीक, आप डबल टैप से कितनी वीडियो आगे करना चाहते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, ये डिफ़ॉल्ट आप सेटिंग कर लें जितने सेकंड आप आगे करना चाहते हैं डबल टैप से। अपलोड ओनली ऑन वाईफाई आप देख सकते हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन आप यहां से चूज़ कर सकते हैं, आप कहां पर लोकेट कर रहे हैं। YouTube इन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्टेड मोड दिस हेल्प टू हाइड पोटेंशली मेच्योर वीडियो, नो फिल्टर, रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस मोड, जो एज रिस्ट्रिक्शन वाली वीडियोस हैं नहीं चलेंगी, इसको अनेबल कर दें।
इसके बाद इसको भी इनेबल कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट सेटिंग के रिमूव कर लेते हैं ऑटो प्ले, ऑटो प्ले को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो कर लें। इससे क्या होगा, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो खुद ब खुद चल जाएगी। अगर आपने अपनी पहली वीडियो चलाई है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अगर आपने चलानी है तो वो आपकी खुद ब खुद चल जाएगी इस ऑटो प्ले की वजह से। इसको आप अनेबल करना है तो अनेबल कर दें, डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दें। अगर अनेबल करेंगे तो अगली वीडियो खुद ब खुद चल जाएगी। उसके बाद डाउनलोड आप देख सकते हैं डाउनलोड की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए आज में। ये देखिए हाई है डाउनलोड, जो वीडियो आपने डाउनलोड करनी है लो में करनी, हाई में करनी, मीडियम में करनी है, आप यहाँ सेलेक्ट करें। डाउनलोड ओवर वाईफाई रिकमेंडेड डाउनलोड आपको आने चाहिए कि नहीं, डाउनलोडिंग हेल्प आप यहाँ से डाउनलोडिंग हेल्प कर, आई कॉन्ट डाउनलोड डाउनलोड वीडियोज, गो टू द वीडियो डैट यू वुड डाउनलोड ऑन द होम पेज, टैप द वीडियो थंबनेल, सेलेक्ट द वीडियो क्वालिटी डैट वुड डाउनलोड स्टैंडर्ड इज सेलेक्टेड बाई डिफॉल्ट। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी। इस तरह आप अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ऑप्शन, ओनर डिवाइस विद एक्सपेक्ट रेशियो ग्रेटर देन यू कैन जूम द वीडियो टू मेक द वीडियो एक्सपेंडेड ऑन द स्क्रीन, गो टू द वीडियो डेट विद आप इस तरह किसी भी वीडियो को जूम करना चाहे तो इस तरह दो पंचीज ये आपको नज़र आ रहे होंगे पंच, इस तरह आप वीडियोस को वो कर सकते हैं जूम इन। और अनेबल कैप्शन, कैप्शन को किस तरह अनेबल करना है, इन अ वीडियो प्लेयर टैब मोड, मोड पे क्लिक करना है और सीसी आपने क्लिक कर देना तो कैप्शन आपके अनेबल हो जाएंगे। चेंज वीडियो क्वालिटी, आप सेटिंग्स में जाकर आपकी वीडियोस की क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन आपने करना है तो आप रोटेट करके इसको करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाए। चेंज द वीडियो क्वालिटी, क्वालिटी को मैंने चेंज करना बता दिया, जूम भी आपको मैं बता दिया। फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवाइंड, डबल टैप द लेफ्ट हैंड ऑफ द वीडियो टू रिवाइंड, अगर इस तरह से इस राइट क्लिक करेंगे तो आपकी 10 सेकेंड आगे चल जाएगी, अगर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो 10 सेकेंड पीछे। वॉच वीडियोज वाइल ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करते हुए लेस यू ब्राउज सजेशन बीच आउट पॉजिंग द वीडियो, आप इस वीडियो को छोटा कर सकते हैं। मैक्सिमम द प्लेयर डिसमिस द प्लेयर, अब जो मोबाइल वेब किस तरह अनेबल कर सकते हैं, प्ले द प्लेबैक सेटिंग चूज प्लेबैक, आप इस तरह वीडियोस के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पर बयान की हुई हैं, आप यहाँ पर अपने इशू डिस्क्राइब कर दें तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका यहाँ तो आपको वो मिल जाएगा, उसका इशू मिल जाएगा कि आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर YouTube की टीम के साथ कांटेक्ट करना है तो सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे ही आप सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जीमेल आईडी आपकी शो हो जाएगी। यहाँ जीमेल की आईडी आपकी शो हो जाएगी, फ्रेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना फीडबैक कर दें कि मेरी आई कॉन्ट अपलोड अ वीडियो, यहाँ से आप यूट्यूब की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है अकाउंट डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड इन अ यूट्यूब मोबाइल ऐप, इट इज़ नॉट अवेलेबल वर्क ऑन, आप सिर्फ मोबाइल ऐप्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया और ये देखिए डिलीट ऑल वीडियोस आप डिलीट करते थे, और स्टोरेज आपकी देख लें कितनी है, 3.5 GB आपकी स्टोरेज है, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते यूट्यूब की वीडियोस को। फिर आप यहाँ से सब कुछ अनेबल कर सकते हैं, वॉच ऑन टीवी आप टीवी पर भी देख सकते हैं, नॉट टीवी फोन मेक श्योर है टीवी इज़ कनेक्टेड, टीवी इज़ ऑन एंड कनेक्टेड टू योर वाईफाई, वाईफाई के साथ कनेक्ट करके अपने टीवी पर यूट्यूब टीवी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, ये देखिए क्लियर सर्चेस हिस्ट्री आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर सर्चेस हिस्ट्री यहाँ से क्लियर करते हैं।
पॉज द वीडियो हिस्ट्री, आपकी वीडियो हिस्ट्री पॉज हो जाएगी। उसके बाद पॉज द वीडियो सर्चेज, यहाँ पर वीडियो पॉज हो जाएगी। मैनेज ऑल में एक्टिविटी देख सकते हैं, ये गूगल पे आपको ले जाएगा, वहाँ से आपकी मैनेजिंग हो जाएगी आपकी तमाम तरह स्पोर्ट्स। उसके बाद ब्लॉग कॉन्टेक्ट, इसका ब्लॉग आपने किया हुआ है। यूट्यूब की टर्म्स एंड वायलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। पेड मेंबरशिप, मेंबरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने गेन करनी है मेंबरशिप। और कनेक्टेड अकाउंट्स अपने यूट्यूब अकाउंट को किसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, जैसे पबजी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट एंड वॉच द अप्रूव्ड पबजी इवेंट्स एंड वीडियो फॉर चांस टू विन इन गेम रिवॉर्ड्स, यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। एपिक गेम, पबजी मोबाइल, आप इनके साथ तो अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। फेयर सेट जो गेम के अंदर रिवॉर्ड्स हैं उनको जीतने के लिए आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव चैट हेल्ड फॉर रिव्यू, जो इनअप्रोप्रिएट जो होंगे लाइव चैट में कैप्शन आप देख लें, कैप्शन आपको दिखाए जाएं और दे लुक लाइक दैट, इस तरह के कैप्शन यहाँ पे लुक लाइक दिस। लैंग्वेज उसकी आप सेलेक्ट कर लें, किस में आप कैप्शन देखना चाहते हैं, इंडियन। साइज उसका देख लें, स्मॉल वेरी स्मॉल। वेरी लार्ज इस तरह के कैप्शन आएंगे, नॉर्मल इस तरह के। आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैप्शन ये अल्टीमेट खुद ही डिफ़ॉल्ट होते हैं, कैप्शन आप देख सकते हैं किस तरह आपने सेलेक्ट करने हैं। कैप्शन का स्टाइल खुद देख सकते हैं, आपको कौन सा कैप्शन का स्टाइल अच्छा लगे आप वो कर लें। या फिर मैं उसकी डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेटिंग्स कर लेता हूँ। इस तरह आप कैप्शन की सेटिंग कर दे, एसेसिबिलिटी एसेसिबल प्लेयर को डिसेबल कर सकते हैं। सेंड फीडबैक आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने गूगल का प्रोडक्ट है ये यूट्यूब। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस आप जो सब्सक्रिप्शन के नोटिफिकेशन है, एक्टिविटी एक्टिविटी, ये सारे अपने नोटिफिकेशन देख लें। जिन नोटिफिकेशन को आप अनेबल करना चाहते हैं उनको अनेबल कर दें, और जो बाकी नोटिफिकेशन है उनको डिसेबल कर दें। पहले मैं आपको चैनल आर्ट वगैरह बनाकर दिखा दूं, फिर मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यूट्यूब स्टूडियो दिखाऊंगा, सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं पहले पिक्स आर्ट से बनाना सिखाऊँ, फिर पिक्सल ऐप से बनाया जाएगा, फिर आपको उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा डिफरेंस आप देख सकते हैं और कौन सा आपको। मैं आपको ये कैमरास कैनवास से भी मैंने आपको बनाना सिखाऊंगा किस तरह आप ये कैनवास से भी बना सकते हैं। पिक कैनवास और क्रिएट न्यू इंस्टॉल कलर, ये सारा ये है, यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे मैं आपको लोगो और वो भी बनाना सिखाऊंगा आपने किस तरह बनाना है। जैसे आपने ये देखे, ये बहुत अच्छा है, मुझे टेम्पलेट लग रहा है। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर लें, आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपना जो है यहाँ से वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है अपना बैकग्राउंड, किस पिक्सल का आप बनाना चाह रहे हैं।
मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 21। ये देखिए आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, ये लोगो का साइज़ है, आपने इससे लोगो तैयार करना है, इससे आप लोगो तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ से कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं और इस लेयर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये लेयर, ये देखिए ये लेयर है इसके ऊपर, ये इसकी लेयर, अगर इसको हम अनहाइड करना चाहें तो अनहाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ये इसका फीचर देख लेते हैं, ये फुल स्क्रीन और फिटेड स्क्रीन, या आप इसको फिट स्क्रीन के अंदर फिट करना चाहते हैं या फुल स्क्रीन। ये देखिए फुल स्क्रीन से आपको ये फ़ायदा होगा, आप इसको ड्रैग एंड ढल कर सकते हैं, जहाँ भी ड्रैग कर सकें। फिर ये देखिए अब मैं इसको फिटेड स्क्रीन में, ये हमारे पास फिट आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, अच्छा था यहाँ से हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं टेक्स्ट के लिए फाउंट की, ये देख सकते हैं फाउंट का साइज़ आप देख सकते हैं, कम और ज़्यादा फाउंट के साइज़ को कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने ये देखिए फाउंट, आप इसके प्रीमियम वर्जन में खरीद सकते हैं, लेकिन इसका ये फाउंट बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर वो ऐड कर लें, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लें, जैसे हमारे चैनल का नाम है वर्ड चेक। वर्ड चेक के नाम से हमारा चैनल है, तो यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब इसका आपको ये फ़ायदा होगा, ये देखिए मैं इसको पहले फिट स्क्रीन कर देता हूँ, फिट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसको मैं करूँगा, ये कलर इसका भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस लिहाज से आप इसका कलर रखना चाहें कलर रख सकते हैं। ये इसके साथ लोकेशन फ्रीक्वेंटली यूज आप देख सकते हैं, जोन सा आपको अच्छा लगे हैं वो फाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साइज़ को भी डल, ड्रैग और डल वगैरह कर सकते हैं। अब मैं इस यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपके आ जाएगा, यहाँ पर मैं आगे जाकर एडिट इमेज में जाकर भी इसको आप एडिट, मज़ीद एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना हो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कॉल आउट, मास्क, बॉर्डर, ब्रशेज, फिट, टेक्स्ट ऐड। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके कलर को अगर हम चेंज करेंगे तो तब हमारे पास आएगा ये, हम यहाँ से जाकर आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको पिक्सेल लैब का विज़िट करवाता हूँ, वहाँ पर इससे भी अच्छे, वहाँ पर थंबनेल वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है, थंबनेल और भी अच्छी एडिटिंग वहाँ से हो। अब हम पिक्सेल लैब्स के कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं, ये इसके मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा, क्योंकि पिक्स आर्ट से ज़्यादा ये अच्छा है। इसके अंदर हम अपना लोगो बनाएंगे, हम इसके अंदर चैनल आर्ट बनाएगा, एक दो थंबनेल भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपके लिए बेहतरी आएगी। मैं थंबनेल भी आपको बनाकर दिखा दूँगा ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ आए।
यहाँ से ये देखिए एस्पेक्ट रेशियो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, समझ आइए। देखिए पहले यहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप गैलरी से कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन इसको कर सकते हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन होगी। अब इसको डल ड्रैग कर सकते हैं, ये लेयर में एक डिलीट कर दूँ। फिर उसके बाद आप यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा के ज़रिए इमेज। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज, अगर आपने इस इमेज को एक्सपोर्ट करना है क्विक शेयर के तौर पर, आप ही इसको फेसबुक दूसरी जगह पर भी पोस्ट वगैरह कर सकते हैं अगर आपने क्विक शेयर पे करना है तो। एक्सपोर्ट में फेसबुक पे, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, इधर क्विक शेयर कर सकते हैं। इधर PNG का फॉर्मेट भी अवेलेबल है, आप किसी भी पिक्चर्स की मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। मैं ये भी आपको करना बता दूंगा ताकि आपके जो थंबनेल में आपकी जो पिक्चर्स आती हैं वो आपको मतलब रिमूव हो जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी होती है अल्ट्रा रखनी, सबसे अलग क्वालिटी इसकी अल्ट्रा होती है, बिल्कुल HD 2080p पे एक्सपोर्ट होती है। वेरी हाई भी रख सकते हैं आप अपने मुताबिक, जितने आप MB की इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। शेयर यहाँ पे क्विक शेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है सेव टू गैलरी, गैलरी में यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं आपको एंड पे करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको थंबनेल और वो सब कुछ बनाना बता दूँ। कॉन्टेक्टर्स और रिपोर्ट बग्स, आप यहाँ से ट्यूटोरियल आप इसके यहाँ से ले सकते हैं, यूट्यूब के इसके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। रिमूव एड्स, यहाँ से प्रीमियम एड्स रिमूव कर सकते हैं। ओपन PPL फाइल एग्जिस्ट, यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से मैं आपको यहाँ से होगा, पहले हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इनका टेम्पलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, अगर आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहें ये कर लें, ये करना चाहें ये कर लें, ये करना है ये कर लें, टेम्पलेट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा टेम्पलेट लग रहा है मुझे, ये देखिए कितना स्मूथी किस्म का टेम्पलेट है। टेम्पलेट्स और भी कुछ है ये, अब ना समझ, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, आप ये देख सकते हैं यहाँ ये वाले हिस्से पे कोट्स आती हैं, कोटेशंस आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर अपनी कोटेशन यूज़ करनी है। इधर काफ़ी ज़्यादा मकदार में कोटेशंस हैं, ये देखिए इंग्लिश कोट्स हैं इसके अंदर, सक्सेस, फ्रेंडशिप, यहाँ पर काफ़ी तादाद में कोटेशन हैं। और लैंग्वेज में भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल है। हमने ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, इमेज साइज में जाना है और यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना है, कस्टम रहने हम बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर पिक्चर, हम पहले गूगल की स्क्वायर पिक्चर बनाना चाह रहे हैं आपके, ये यहाँ पर मांगा जाएगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से क्विक शेयर आप कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से शेयर करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज सेव एज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट के तौर पर आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपने जो बनाए होंगे। इसके अलावा यहाँ से कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, करंट डेट ऐड करना चाहते हैं, स्टिकर ऐड करना चाहते हैं, शेप, गैलरी और ड्रॉ, मैं आपको सब कुछ एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हम इसके अंदर अपना वो बनाएंगे चैनल का जो है वो जो वर्ड्स लोगो बनाएंगे, आइकन बनाएंगे, आर्ट बनाएंगे, वो आपको लगाना सिखाऊंगा। चैनल की कस्टमाइजेशन बताऊंगा किस तरह चैनल को कस्टमाइज करना है, उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा बहुत कुछ, आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए यहाँ से आप टेक्स्ट है, ये न्यू टेक्स्ट है, अगर आपने इसको ये टेक्स्ट आ गया एडिट करना है इसको एडिट करें, ये टेक्स्ट आ गया, अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे।
मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट ऐड हो गया, ये देखिए हमने इसके अंदर कुछ लिखना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट राइटिंग भी अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ वर्ड्स टैक्स, क्योंकि हम चैनल का लोगो बनाने लगे हैं, इसलिए चैनल के लोगो में ये लाजमी है। इसके अंदर आप फ्रीक्वेंट फ्रेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको डल एंड ड्रैग करके जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। अब हमारे पास मैं यहाँ पर था, आपको मैं ये सारे टूल्स ऊपर वाले समझा दिए, अब मैं आपको ये बताऊँगा ताकि आप इससे मतलब वो अच्छी तरह से कर सकें। टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, करंट डेट हम वो बना रहे हैं अपना लोगो, लोगो के लिए करंट डेट बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। करंट डेट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो में या किसी थंबनेल पे आपको इसकी ज़रूरत हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए ये आता है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट नहीं करना तो ए वाले आइकन पे जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिससे आपकी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, और यहाँ से कर आप इस सब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दूँ ताकि ये देखिए, ओके करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। मैं स्टिकर से आपको ऐड करके दिखा दूँ, ये देखिए ये स्टिकर आप यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर अगर आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो, ये देखिए, ये देखिए अगर आपने ये ऐड करना हो, ये बास्केटबॉल, ये स्टिकर्स वगैरह की थंबनेल पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको ऐड, ये देखिए ये अगर ग्रीन कलर में, इसको भी आप शायद एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर किसी की बर्थडे का अपने कार्ड वगैरह कोई बनाना है, ये देखिए अगर आपने, ये कितना अच्छा ये टेम्पलेट सा लग रहा है। ये देखिए अब ये चैनल का लोगो कितना अच्छा लग रहा है लोगों के हिसाब से। अब मैं आपको और भी स्टिकर्स वगैरह दिखा देता हूँ, पहले इसको ऊपर कर लें ताकि ये हमारी जो फाइनल है, उस जो हमने लोगो बना तैयार करना है उसके अंदर डिस्टर्बिंग ना क्रिएट करें। ग्लासेस ऐड करने, ग्लासेस हैट ऐड करने तो हैट, थम्स अप आपने ऐड करना है तो ये, इसके लिए ये, काफी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। पहले हम इस लेयर को डिलीट कर दें, ये लेयर्स में जाकर आप डिलीट कर सकते हैं जो लेयर आपको पसंद ना हो। मुस्ताशे आपने ऐड करनी है तो ये कर सकते हैं, आपने ये ऐड करना है तो ये, इन ये जो स्टिकर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा थंबनेल वगैरह पर यूजेज होती है। जैसे कोई रिएक्शन थंबनेल आपने बनाना है तो ये बना सकते हैं, कोई आपको ये पेपर वगैरह चाहिए, कोई नोट वगैरह, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई आपने टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर ऐड करना हो, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। जो डिफ़िकल्ट हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको यूज़ करके थंबनेल को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए
ये भी आप कर सकते हैं, इमोजी इसमें खरीदें, हाँ फिर ये इमोजी ऐड कर सकते हैं, ये इमोजी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इमोजीज हैं, आई थिंक सो काफ़ी यूजफुल हैं आपके थंबनेल पे। जो इसके प्रीमियम स्टिकर्स हैं आप वो भी ख़रीद सकते हैं, पर वो आपको बाय करने पड़ेंगे, और आप बाय नहीं करना चाहते तो ना करें। ये मैं जो आपको चीज़ें चाहिए वो पहले वो आप कलेक्ट कर लें सारी, जो आपको मतलब मुझे ये चाहिए था, ये मुझे ये लोगों के लिए अपने चाहिए था, ये लोगों के लिए अपने चाहिए था, और ये स्टिकर्स तो मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास अगला जो फीचर है मैं आपको दिखा दूं, आप यहां से गैलरी से कोई पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब शेप्स का बहुत अच्छा यहां पर फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है पिक्सेल ऐप ने, शेप्स आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये शेप, आप अपनी मर्जी की शेप यहां से बना सकते हैं, उसको जो कुछ फीचर्स उसको देना चाहिए दे सकते हैं, आप ये ऐड करना चाहते हैं ये, जो कुछ मर्ज़ी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको क्या ऐड करके दिखाऊँ, ये सर्कल ऐड, मैं आपको वन बाय वन आपको सारा दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड इनेबल करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। ये थंबनेल में भी मैं आपको थंबनेल मेकिंग भी साथ साथ सिखा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना हो इसकी। देख लेते हैं, ये हमारे पास है, ये मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ये, अब मैं इसको कस्टमाइजेशन आप इसके करके दिखाता हूँ कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए बैकग्राउंड, और इसका रेडियस मैंने इसको इस तरह कर दिया, रेडियस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने जो मैं यहाँ से इसकी एडिटिंग होती है, इसका जो मैंने जो कलर है उसको येलो, इसका जो है कलर मैंने येलो कर दिया, और स्ट्रोक में आपको इसका दिखाऊं किस तरह, ये देखिए कलर इन फील, ये फील कलर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये रेडियस आप इसकी ओपोसिटी को देख सकते हैं किस तरह आपने इसको मैनेज करना है, इसको डल एंड ड्रैग करके आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक विड्थ, इसका स्ट्रोक कलर मैं जो अनेबल करना चाह रहा हूँ, आई थिंक सो ब्लैक, ब्लैक इतना सूटेबल नहीं रहेगा, आई थिंक सो वाइट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये देखिए और कलर्स की चॉइसेस भी देख लेते हैं, आई थिंक सो वाइट अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ये देखिए ये हमारे पास एक शेप बन गई जो ये अभी मुझे चाहिए। अब मैं ये जो चाहिए चीज़ें, ये देखिए मेरे पास मुझे एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, इसको पहले भी आप सिलेक्ट करके रखें, इसकी अरेंजमेंट आप बाद में कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको और शेप्स भी दिखा देता हूँ, और शेप्स में आप ये बना सकते हैं, इसको फिल करने किसी कलर के साथ करना चाहते हैं, स्ट्रोक का इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको कोई और ये शेप बना कर दिखा देता हूँ, ये देखिए एरोज़ में काफ़ी तौर पर मददगार होती हैं, मदद देती हैं।
आपको थंबनेल में एरोज़ की काफ़ी तौर पे ज़रूरत होती है, तो आप ये एरोज़ यहाँ से कर ले सकते हैं। इससे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो ग्रेडिएंट में जाकर आप इसको ये कलर भी दे सकते हैं। इसकी ये देखिए इस तरह वाले, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, नेचुरल लुक दे रहा है। पहले आप इसकी कस्टमाइजेशन कोई बड़े साइज़ पे करें, ओपेसिटी को आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रोक को अनेबल करवाना चाहें तो स्ट्रोक को भी अनेबल कर सकते हैं, कलर बीच में करवाना चाहें। देखिए हमारे पास एक अच्छा सा एरो आ गया, और किसी पॉइंट को भी आपने थंबनेल में इंडिकेट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी पॉइंट को भी अपने इंडिकेट करना। इसके अलावा भी यहाँ पर एक ये देखिए एरो का भी फीचर होता है, अब एरो की लेंथ को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ से एरो आता है, ये देखिए ये वाला जो एरो है, इस पतन अच्छा है इस एरो से, क्योंकि ये देख सकते हैं आप इसको इस तरह कर सकते हैं इसकी शेप। आप इसको जिस तरह मर्जी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो ओपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज डाउन कर सकते हैं। एरो के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एरो के एंड को सॉरी, इस तरह आप चाहिए इसको कर सकते हैं। इसकी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं आप। यहाँ से ड्रॉ वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप कोई भी चीज़ आप अगर आपने ड्रॉ करनी हो, मैं आपको 1 मिनट, ये इसकी जो लेयर्स हैं जो मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, 3 लेयर्स मुझे चाहिए। अब ये देख सकते हैं, मैं आपको लेयर्स का फीचर पहले समझा देता हूँ। सबसे ऊपर ये वाली लेयर है, अब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, सबसे नीचे चली उस सबसे ऊपर ये ताज वाली लेयर है, मैं उसको ड्रैग डाउन करता हूँ, येलो के नीचे चली जाएगी। ये देखिए सबसे ऊपर ये वर्स्ट टेक वाली लेयर है, ये देख सकते हैं ये वाली, अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा सबसे नीचे। अब जिस तरह लेयर्स की सीक्वेंस, इसको मैं सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, इसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह लेयर्स की सीक्वेंस बनाते हैं, ताकि उन लेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके उनके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस के। अब मैं आपको ये वो बनाना सिखा दूँ आपका। सबसे पहले एक दो फीचर्स रह गए थे, मैं आपको बता दूँ, ये ड्रॉ का फीचर रह गया था, ये मैं आपको जल्दी से बताकर आपको बताता चलूँ। अब क्योंकि ये यूट्यूब का कोर्स है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल भी बनाना सिखा दिया, मैंने आपको वो भी बनाना सिखा दिया कि आपने किस तरह बनाने हैं। मैं आपको एक दो बना कर भी दिखाऊंगा कि किस तरह बनाने हैं, अगर आपने कुछ टाइप करना हो यहाँ पर। ये देखिए जो भी आप यहाँ से ड्रॉ, प्लस का आइकन ड्रा कर, माइनस, इस तरह जो भी आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं। ये देखिए पेन का साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं पेन का साइज़ ये देखिए। अब मैं आपको एक दफ़ा ये देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पर बनाया,
देखिए स्मूथनेस इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्मूथ हो रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसकी जो पेन साइज आप पहले सेलेक्ट करें, इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं, स्मूथनेस आप फिल इन साइड आप इसके कर सकते हैं। न्यून इफेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको डल एंड ड्रैग कर सकते हैं, आप जैसा चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स था जो कि मुतारिफ़ करवाया गया। मैं आपको जल्दी से आपको ये बनाकर दिखा दूँ कि मैं किस तरह का बनाना चाह रहा हूँ। इसको मैं रखूँगा ऊपर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको करूँगा एट द सेंटर करूँगा। सही है, देखिए अब आई थिंक सो के अच्छा ही लग रहा है। इसकी एडिटिंग भी देख लेते हैं, कलर्स कुछ चेंज कर, क्योंकि लाइट कलर बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कलर सेलेक्ट करें जो आपके बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत मैच करे। मैं ये सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। मैं स्ट्रोक भी इसका इनेबल कर देता हूँ, स्ट्रोक इसका येलो इनेबल करूँगा, रेड। स्ट्रोक आई थिंक सो के डिसेबल्ड ही रहने दे। फिर अब मैं करूँगा, अब मैंने इसकी सेटिंग्स करनी है। मैं इसको कहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ पर किया, अब फिर मैं इसकी ये देखिए ये मूवमेंट इसकी मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जहाँ से मेरा लोगो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पर आकर आई थिंक सो इनफ है ये। और मैं इस लेयर को ड्रैग डाउन कर लूँगा। अब ये इस लेयर के ऊपर मैं वर्क करूँगा। सबसे पहले इसका फॉर्म चेंज करूँगा, काफ़ी अच्छा फॉर्म लग रहा है। इसको क्रैक 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 ट्राइस करूँगा बोल्ड में। अब इसकी अरेंजमेंट के लिए भी मैं वही तरीका इस्तेमाल करूँगा। जहाँ पर आपको लगे सेंटर में आ गया है, आप इसको अब इसकी मूवमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसके स्ट्रोक को अनेबल करना है। लोगों को अच्छा सा बनाए ताकि आप, क्योंकि लोगो ही ऐसी चीज़ है जिससे आपके चैनल की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसलिए लोगों को अपने बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखिए इसके अब मैं साइज़ में कुछ कमी करूँगा, और अब मेरा ये देखिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बस सीक्वेंस कर दूँगा। ये भी एट द सेंटर मुझे नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डल एंड ड्रैग करूँगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है। अब मैं इस लेयर का आई थिंक सो के मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इस लोगो को ऊपर ऐड कर लूँगा।
इसकी अब हम अरेंजमेंट के लिए कलर सेलेक्ट कर लेंगे, कलर इसका इनेबल कर रहे हैं, कलर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। इसका हम स्ट्रोक भी इनेबल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका। मैंने कलर अब चेंज कर दिए ताकि यूनिक लगे, मैंने ये जो है लाइट कलर्स में बनाया है। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा लोगो। लेयर्स को मैं मर्ज कर देता हूँ, इन दो लेयर्स को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों भी अगर मूव करें तो इकट्ठे मूव करें। ये देखिए लेयर्स को मैं मर्ज कर देता हूँ, लेयर्स ये देखिए मर्ज हो गई हैं लेयर। अब मैं इसको फ्रीक्वेंटली जहाँ मूव करना चाहूँगा कर लूँगा, और जो इंडो करना है आपने यहाँ से करना है। देखिए बैकग्राउंड एक अच्छा सा सेलेक्ट हो जाए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ये मुझे अच्छा लग रहा है पर इसका जो स्ट्रोक है उसको मुझे अनेबल करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रोक को अनेबल कर दूं तो देखिए परफेक्ट लग रहा है मेरा लोगो, यूनिक लग रहा है बिल्कुल 3D किस्म का। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा और आपको यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट के इमेज पर जाना है। JPG PNG मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, अल्ट्रा में एक्सपोर्ट करता हूँ। डेंटिंग इमेज हो रही है। अब ये देखिए ये मेरे पास हो चुकी है सेव, इसको मैं प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करना चाह रहा हूँ। इसको मैं सेव एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर इसका मैं नाम रख देता हूँ वर्ड्स टेक। ये मेरे प्रोजेक्ट सेव हो गया। ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अगर मैं फ्यूचर इन फ्यूचर इसको कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं सीधा यहाँ पर आऊँगा, माय प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा, माय प्रोजेक्ट में जाकर ये सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप इसी प्रोजेक्ट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आपसे इन कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चैनल आर्ट बनाऊँगा। अब मुझे एक बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए जहाँ पर मैं अपने चैनल आर्ट को क्रिएट कर सकूं। ये बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी इमेज साइज को सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमारे पास ये देखिए सीक्वेंस आ गई इसकी कि किस तरह मैं उसको इसको अब डल एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन में आ गया। अब मैं इधर जल्दी से वो चैनल आर्ट बना लूँ ताकि चैनल आर्ट में जो ये मैं आपको बताता चलूँ को जो इतना सा हिस्सा होता है, ये देखिए ये चैनल आर्ट है आपका पूरा,
ये सारा का सारा आपका टीवी पे शो होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक हो जाती होती है, लाजमी तौर पर होती है। ओके, जो रिकमेंडेड साइज़ होते हैं उसके मुताबिक आपने बनानी होती है, और जो इसका साइज़ रखना होता है एक्सपोर्टिंग के वक्त, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपोर्टिंग के वक्त इसका साइज़ थोड़ा मीडियम या फिर लो रखना पड़ता है, जो कि सही है। इसके बाद लेयर्स आपको मैंने बताई हुई है। मैं आपको चैनल आर्ट बनाना चैनल आर्ट अपना बनाता हूँ। जो ये देखिए पूरा सही है, ये पूरा चैनल आर्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पे ही शो होगा, जो आपके मोबाइल पर एरिया शो होगा मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ ये एरिया आपका मोबाइल पर शो होगा। अब मैं ये देखो बताता हूँ आपको, शेप ऐड कर दे इसकी। आई थिंक सो इतना सा ही हिस्सा होता है जो कि उसके अंदर ऐड होता है। मैं इसको थोड़ा सा चैनल आर्ट को यूनिक बनाने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छा लगे मेरा चैनल आर्ट। ये देखिए मेरा चैनल आर्ट बिल्कुल फिक्स है। इसकी जो मैं कलरिंग करना चाहता हूँ, लाइटिंग कलर्स इसको मैं दूंगा। ये मेरे पर लाइट कलर की सीक्वेंस आ जाती है, मैं इसको लाइट कलर्स दूंगा ताकि अच्छा सा लगे मेरा चैनल आर्ट। ये तीन कलर्स तो मैं डेफिनेटली इसको दूंगा। सॉरी, अब मुझे सेलेक्ट करना था। मुझे ग्रीन सेलेक्ट करना था, और जो है इसका जो बैकग्राउंड है मुझे वो मुझे सेलेक्ट करना था, ये पैरेट कलर का सेलेक्ट करना था। देखिए अब मैं इसी के अंदर एक और शेप ऐड करूँगा। देखिए मैंने शेप ऐड कर ली, और इसको मैं कलर दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा और इसे लाइट कलर दूंगा, जैसे कि ये है। चैनल आर्ट को भी यूनिक बनाएं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये देखिए ये मैंने इस तरह कलरिंग शुरू की है। अब मैं एक इसको और कलर दूंगा। और इसका जो मैं कलर रख रहा हूँ, ये देखिए कितना मेरा अच्छा चैनल आर्ट लग रहा है। अब मैं लास्ट एक और शेप लूँगा।
अगर आपसे ये सही तरह नहीं बन रहा तो आप एक और भी इसकी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पर जाइए, इसको कीजिए, इसको कीजिए। ये देखिए बिल्कुल मेरा फिट है, इसलिए मेरा मूव नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल वहाँ पे आ गया। अगर आपका फिट होगा तो आपका मूव नहीं करेगा, अगर अपना मूव करवाना है तो किसी और जगह पे है तो इसको फिट करें मूव करवा कर। ये देखिए कितना ओरिजिनेटिंग कलर आ रहा है, ग्रीन से लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, लाइट येलो एंड डार्क येलो। ये सारी हमारी लेयर्स बन गई है, हम इसको लॉक कर लेंगे लेयर्स को। और जो हमारी ये वाली लेयर है इसको टॉप ऑफ द ले आएंगे और इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। इतना सा हिस्सा हमारा मोबाइल पे शो होगा। अब मैं ये कर लेता हूँ, इसका जो है इसका फाउंड चेंज कर देता हूँ मैं ये, क्योंकि लोगो में भी मैंने यही रखा था, इसलिए मैं ये थोड़ा सा चेंज करूँगा। रिसेंट आपके यहाँ से निकल आते हैं जो रिसेंट आपने यूज़ किए हैं। इसको मैं बोल्ड, देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसका स्ट्रॉ का नेबल कर दूंगा बस, इसकी जो स्पेसिंग है थोड़ी बहुत बस। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे बिल्कुल सेंटर में आकर ये मेरा चैनल आर्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर चाहे तो आप सब्सक्राइब भी बटन भी लगा सकते हैं, ताकि जो भी आपके चैनल आर्ट पे आए उसका सब्सक्राइब करें। ये टीवी पर लोग कम देखते हैं, इसलिए मैंने टीवी के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, मैंने बनाया है डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली, और मैंने इसको बनाया है उसके अकॉर्डिंगली मोबाइल के अकॉर्डिंगली। जब मोबाइल पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी, नहीं सॉरी डेस्कटॉप पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी, मोबाइल पर सिर्फ ये येलो डार्क येलो एरिया शो होगा चैनल आर्ट में। अब यहाँ से हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट इमेज, एक्सपोर्ट इमेज में जाकर इसका साइज़ थोड़ा सा लो रखना है, इसके पिक्चर लो हों और ये आसानी से वहाँ पर आ सके। मैं थंबनेल भी आपको बनाना बताऊँगा, इसलिए सबसे पहले मैं इसको इसको इम्प्लीमेंट करना बता दूँगा, आपने कहाँ से जाकर इसको लगाना है वहाँ पर। आपने यूट्यूब यहाँ पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है हम यूट्यूब, देखिए ये आ जाएगा। आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं, आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइट पर चल जाना है, डेस्कटॉप साइट पर आपको ले जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको चैनल आर्ट और आइकन वगैरह अपलोड करना बताऊँगा, और साथ ही साथ कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने बेसिक सेटिंग्स वगैरह करनी है। आपने यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, ये देखिए अपने चैनल, उसके बाद आपने योर चैनल के ऊपर चल जाना है। मैं इसकी पहले कस्टमाइजेशन आपको पहले दिखाऊँगा, फिर यहाँ से आप वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं, चैनल को कस्टमाइजेशन में चल जाते हैं। ये देखिए ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, ऐड चैनल आर्ट। सेलेक्ट फोटो, चूज फोटो, आपने यहाँ पर जाना है। आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए ये कह रहे हैं इट मस्ट बी एट लीस्ट इतने पिक्सल की होनी चाहिए, और द चैनल आर्ट 2560x1440। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं,
एक्सपोर्ट इंच 25 60 1440, मेरे पास ये तो है, इसको मीडियम में एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसी तरह आपने वो उस प्रोजेक्ट को सेव कर लेने हैं। और ये देखिए द फोटो मस्ट भी टू स्मॉल, इस मस्ट भी स्मॉल है ये अभी इसको, और हम इस तरह करके देख लेते हैं। अगर हमारी फ़ोटो अपलोड होती है तो कर लेते हैं, तो मैं आपको खुद ही अपलोड करके बताऊंगा किस तरह आपने अपलोड करनी है। देखिए फिर नहीं मान रहे, 2560 रिकमेंडेशन में भी हमने ये किया है। हमने इसका इमेज साइज भी हमने इसका 2560, देखिए इमेज साइज भी वही है, पर आई थिंक सो क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको वेरी हाई में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर देख लेते हैं, नहीं तो ये मैं फिर खुद ही लगाऊंगा, आपको वीडियो को शेयर नहीं करूँगा। ये देखिए ये लग गया, ये देखिए मोबाइल में इस तरह शो होगा, मैंने आपको कहा था मोबाइल में बिल्कुल सादा शो होगा। और ये देखिए टीवी में कितना अच्छा लग रहा है, और डेस्कटॉप साइड में देखिए, ये देखिए इस तरह कलरिंग साइड से आ रही है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा सेव हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए मेरा सेव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं चैनल आइकन एडिट, एड अ प्रोफाइल पिक्चर, ये देखिए इस तरह आपको शो होगी। आपने रीजन बता देना है कौन सा रीजन अब इसके अंदर आपके चैनल पर आए। आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये मैं थोड़ी सी इसको सेट एज अ प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर ऐड कर लेंगे। देखिए ये मैंने ऐड कर ली, और उसके अलावा आपको मैं सिक्योरिटी के रिलेटेड भी कुछ बताऊंगा अगली वीडियोस में, कि अपने अपने चैनल को किस तरह सिक्योर करना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चैनल आर्ट और आइकन लग रहा है, ये हमारा चैनल आर्ट, ये हमारा आइकन। अगर आपने ये देखिए चूज़ अ वीडियो प्लेलिस्ट फीचर्ड हेयर, देखिए अपलोड अ वीडियो, अपने यहाँ से वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ से वो क्रिएट करना है आपने।
इसको आप डन कर दें। और यहाँ से आप फीचर चैनल ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फीचर चैनल ऐड करना है तो यहाँ पर आपने उस चैनल का फीचर, जैसे मैं इसी चैनल का अपना अगला चैनल इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो भी आप अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सेकेंड चैनल का यहाँ पर URL पेस्ट करें और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो इस तरह आप काफ़ी चैनल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर जब ऐड कर दें तो यहाँ पर डन कर दें तो आपका फीचर चैनल ऐड हो जाएगा। ये देखिए, मैं मेरे पास अभी फीचर चैनल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कोई ऐड नहीं करूँगा। अब मैं आगे चैनल की कस्टमाइजेशन और यूट्यूब कोर्स के रिलेटेड मैं आपको बता दूँगा। चैनल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, चैनल आर्ट आइकन तमाम सेटिंग्स मैंने आपको बता दी कि आपने सेटिंग्स किस तरह करनी है। एडवांस सेटिंग्स एक मैंने आपको समझानी रह गई है, एडवांस सेटिंग्स समझाऊँगा। उसके बाद पॉपुलर अपलोड्स वगैरह वो मैं आपको समझाऊँगा, आपने किस तरह पॉपुलर अपलोड्स वगैरह करने हैं, यूट्यूब को किस तरह आइडेंटिफाई सिग्निफाइज करना है। मैं आपको सारा आपके साथ शेयर करूंगा और एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ मोबाइल वाला स्टूडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह वहां पर मोबाइल स्टूडियो से आपने लर्निंग करनी है, किस तरह वीडियो की मतलब आपने देखनी है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और YT स्टूडियो ऐप में आपको पूरा उसके अंदर समझाऊँगा। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ वीडियो वाले सेक्शन में। आप यहां से वीडियोस ऐड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स मैंने जो आपको मोबाइल में करवा दी थी वही बहुत हैं सेटिंग्स, और इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सब्सक्राइबर ऐड करवाने का तरीका ये देखिए, यूट्यूब सेटिंग, यूट्यूब कंप्लीट कोर्स की। अब मेरे पास एक ये देखिए चैनल क्रिएट प्ले लिस्ट है। अब मैं आपको एक और प्ले लिस्ट बनाकर दिखाता हूँ। यूट्यूब सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने यूट्यूब की सेटिंग करनी है। इसके हवाले से जो प्लेलिस्ट आपने बनानी है वो आप देख सकते हैं। आपने पब्लिक बनानी, पब्लिक कर लें, प्राइवेट अनलिस्टेड मैं पब्लिक करूँगा। क्रिएट प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में कीवर्ड्स ऐड करें ताकि आपकी की जो है प्लेलिस्ट रैंक कर जाए और पहले नंबर पर रैंक करे। कंप्लीट सेटिंग के रिलेटेड ये प्लेलिस्ट है, ये आप ऐड कर लें तो आपकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो म्यूचुअल हो जाएंगी और आसानी होगी आपको। ये देखिए, अब मैं इस प्लेलिस्ट को सेव कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट का जो ओनर है ये देख सकते हैं, ये है। आप सेव करना चाहें इसको सेव कर लें, मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक ही प्लेलिस्ट चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है। प्लेलिस्ट के आगे चैनल्स में जाएंगे आप। चैनल आपने फीचर जो भी चैनल ऐड किया होगा यहाँ पर शो है, डिस्कशन वगैरह में आप जाएंगे। डिस्कशन में आपकी जो चैनल्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे जो डिस्कशन के रिलेटेड चैनल हैं। ये आप यहाँ से डिस्कशन वाले चैनल अबाउट में जाकर आप यहाँ पर चैनल की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं चैनल की डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पर चैनल की डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, जैसा कि मतलब दिस चैनल इज़ फॉर टेक्नोलॉजी एंड यू कैन फाइंड हेयर एंड टेक्नोलॉजी वीडियोज़।
ये देखिए मैं आपको यहाँ पर आपने ऐड कर दी, यू कैन ऑल्सो फाइंड हियर related to the YouTube. You can also find here amazing videos. Amazing लिख लें तो keyword एक ऐड हो जाएगा जो आपके चैनल को रैंक करवा देगा. Keywords ऐड करें related to YouTube videos. Short description ऐड करें, काफ़ी है. और यहाँ पर आप डन कर दें. ये थोड़ी सी सेटिंग्स मैं आपको करवा दूँ, फिर मैं आपको एडवांस सेटिंग की तरफ YouTube जो उनका स्टूडियो है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने वो आपको मैं दिखाऊंगा. सब्सक्राइबर हाइड करने का तरीका बताऊंगा, आपने सब्सक्राइबर किस तरह हाइड करने हैं. और उसके बाद मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह ऐड करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके. अब मैं आपको अपने जो चैनल की लिंक्स हैं वो ऐड कर लेनी है. चैनल की आप बेसिकली लिंक्स ऐड कर सकते हैं जो भी आप मतलब चाहें. मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता ही जाता हूँ कि आपने चैनल की लिंक्स को किस तरह ऐड करना है. आपने क्या करना है, यहाँ पर ईमेल जो बिज़नेस इंक्वायरी जो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आती हैं उसके लिए भी कभी कभार ईमेल की ज़रूरत होती है जो आपने देना होता है जिससे आपसे वो कांटेक्ट कर सके. कोई भी ईमेल आप दे दें, बिज़नेस ईमेल दे दें जिससे आप सिक्योर हो सकें कि रिकवरी ईमेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं जो अपने अपने चैनल पर लगाया हुआ है. उसके बाद आपने जो करना है लिंक्स ऐड करनी है. लिंक्स ऐड करने का आसान तरीका है वहाँ से जो सोशल मीडिया जिन पर आप एक्टिव होते हैं आप उन्हीं की लिंक्स ऐड करें. जिन पर आप एक्टिव नहीं होते आप उनकी लिंक्स ऐड ना करें क्योंकि फ़ायदा नहीं है. ये जो आप यहाँ पर लिंक्स ऐड करेंगे ना ये वहाँ पर भी जाएंगे, आपकी जो है वो उधर भी जाएंगी कि जो चैनल आर्ट है ये देखिए यहाँ पर भी आपकी लिंक्स आएंगी. एक लिंक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जितनी आप ऐड करी जाएंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ. लिंक्स कितनी आप चैनल आर्ट पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम 0 या 1 आप लिंक ऐड कर सकते हैं वहाँ पर चैनल आर्ट के ऊपर. चैनल आर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 ही करें. पहली 2 कस्टम लिंक्स ऐड ऑन अ चैनल आर्ट आप यहाँ पर कर लें. फेसबुक ऐड ये देखिए इसका यूआरएल पेस्ट कर दें, यहाँ से डन कर दें. यहाँ पर इंस्टा, इंस्टाग्राम, फिर यहाँ पर फेसबुक आईडी, फिर आप और ऐड कर सकते हैं. ट्विटर में आपको पॉसिबिलिटीज बता सकता हूँ ट्विटर. फिर उसके बाद पिंट्रेस्ट, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं फेसबुक पेज. इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं जितनी चाहें सोशल लिंक, लेकिन जो आपके जो चैनल ऐड पर शो होंगी जो आप यहाँ पर जो रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली शो होगी. मैं भी ऐड नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ऐड करूँगा. मैं अब आपको होम पेज पर ले चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको मैं इसकी मैं सेटिंग्स वगैरह आपको दिखाऊंगा. जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ थोड़ी सी सेटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं. ये आपने ये देखिए ये जो है यहाँ पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं.
और यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो जो सब्सक्राइबर के नोटिफिकेशन है यहाँ पर आएंगे। ये लाइब्रेरी है, ये सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ से, सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी यूट्यूब है। यूट्यूब की सेटिंग्स आपकी ये हैं। आप यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने चैनल का स्टेटस दे सकते हैं कि मेरा चैनल वेरीफाई है कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल स्टेटस दे सकते हैं। देखिए, मेरा अकाउंट वेरीफाई है, मैंने वेरीफाई कर दिया था। अगर आपने अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है तो जो मैं आपको स्टेप्स कहूँगा आपने वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने इसी पेज पर आना है। यहाँ पर आपको वेरीफाई का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने वेरीफाई के बटन को क्लिक कर देना है। जब भी आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे एक नंबर मांगेगा यहाँ। तो आप उस नंबर पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए मैसेज बुलवा सकते हैं, या कॉल के ज़रिए वेरिफिकेशन कोड आप वहाँ रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टेक्स्ट के ज़रिए मंगवाएँ, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं। कॉल में इन लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होती है, कभी कभार इन्फ्लुएंसी में बोल रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट बोल रहे होते हैं, तो वो समझ नहीं आती। तो आपने वेरीफाई करना है, जैसे ही आप वहाँ नंबर ऐड करेंगे, अपना नंबर ऐड करना है, उस नंबर पे आपके वेरिफिकेशन कोड है। एक नंबर से एक या फिर दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार वेरिफिकेशन हो सकती है, वो भी किसी किसी नंबर से। इसलिए न्यू नंबर हर दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चैनल बनाएंगे। उस नंबर से वेरीफाई करें, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपकी चैनल की वायोलेशन शो हो रही होंगी, आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स कितनी आई हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स कितनी आई हैं। यहाँ पर फुल स्ट्राइक्स यहाँ पर शो हो रही होंगी कि आपकी स्ट्राइक्स कितनी हैं, ज़ीरो स्ट्राइक्स हैं या फिर कितनी स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। इसके बाद आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक में मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स में डिफरेंस बताऊंगा। कॉपीराइट स्ट्राइक, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम। हमारे पास तीन है, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो आपको YouTube स्ट्राइक देता है, जो कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम जो YouTube आपको देता है वो होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। YouTube आपको उसलिए देता है कि आप उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको वायलेट करेंगे। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करेंगे तो आपको स्ट्राइक लगाएगा, एक स्ट्राइक लगाएगा। अगर फिर आप वायलेशन करेंगे सेकंड स्ट्राइक, फिर अगर फिर वायलेशन करेंगे तो थर्ड स्ट्राइक लगेगी और आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक पे भी तीन स्ट्राइक्स बजने के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है, कॉपीराइट क्लेम का इतना इश्यू नहीं होता। कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पे तीन स्ट्राइक्स आपको बजे तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। पहली स्ट्राइक का आपको बजे तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अगर पहली स्ट्राइक बजे तो आपसे कुछ फीचर्स ले लिए जाते हैं, जैसा कि आपका ये फीचर ले लिया जाता है कि आपकी अपलोडिंग अपलोड उसको कभी कभार लाइव को डिसेबल कर दिया जाता है, कभी कभार कम्युनिटी टैब को डिसेबल कर दिया जाता है, और कभी कभार वो कभी कभार कुछ और भी फीचर्स आपसे ले लिए जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी स्ट्राइक पे तो पहली दूसरी स्ट्राइक आपकी आ जाती है, तो ये तीन महीने के लिए स्ट्राइक रहती है, एक स्ट्राइक तीन महीने के लिए रहती है। ये तीन महीने के अंदर आप कोई वायलेशन नहीं करेंगे तो आपकी वो स्ट्राइक खुद ब खुद हट जाएगी। स्ट्राइक के पहली स्ट्राइक के बाद अगर दूसरी स्ट्राइक आती है तो आपको अपलोडिंग जो है
आप अपलोड नहीं कुछ कर सकते, इसलिए आपको 3 माह का वेट करना पड़ता है। इसलिए जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है कॉपीराइट स्ट्राइक से भी। कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मैन्युअली कोई दे सकता है, जिसका आपने कंटेंट यूज़ किया होगा उसका कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिलेगा। पहली स्ट्राइक मिलेगी, दूसरी स्ट्राइक, तीसरी स्ट्राइक पे चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ये डिफरेंस था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मैन्युअली कोई दे सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब दे सकता है। और अगर आप इन स्ट्राइक के खिलाफ मतलब वो करते क्लेम कर देते हैं कि मैं ही मुझे गलती से मिला है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो वो आपकी क्लेम को भी सुनेंगे और आपका जो चैनल है उसको भी विज़िट कर लेंगे। आपकी क्लेम को वो सुनेंगे लाजमी तौर पर, चैनल को भी लाजमी तौर पर आपके विज़िट करेंगे और देखेंगे आपके जो अगर आपने वायलेशन की है तो आपकी स्ट्राइक रहने देंगे, अगर आपने वायलेशन नहीं की तो आपकी स्ट्राइक को हटा देंगे। इसके बाद यही था कॉपीराइट क्लेम के बारे में मैं आपको बता दूं। कॉपीराइट क्लेम जो है वो स्ट्राइक से डिफरेंट है। स्ट्राइक में आपकी जो है कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है, जो आप वीडियो से रिवेन्यू जनरेट करेंगे ना, जिस जो कॉपीराइट क्लेम है वीडियोस के ऊपर आता है, जो स्ट्राइक है चैनल के ऊपर आती है। तो वीडियो से जो भी आप अर्न करेंगे उससे जितना भी आप अर्निंग करेंगे आपकी सारी की सारी जो अर्निंग होगी जो जिसने क्लेम भेजा होगा उसको जाएगी। क्लेम कंटेंट आईडी ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कंटेंट आईडी अपील, जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ना उनकी ये अनेबल्ड होती है, उसकी कंटेंट आईडी होती है। जैसे ही कोई उनका यूज़ करता है तो यूट्यूब की टीम खुद उसको क्लेम भेज देती है। क्लेम अगर वो अगला स्ट्राइक भेजना चाहे स्ट्राइक भी भेज सकते हैं, लेकिन क्लेम से रिवेन्यू जो भी होता है वो क्रिएटर जो इसका रीजनल क्रिएटर होता है उसको मिलता है रिवेन्यू जितना भी होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग मोनेटाइजेशन लाइव स्ट्रीमिंग एम्बेडेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से अनेबल्ड हैं। आप यहाँ से जो आपकी जो आपकी अपलोडिंग अनेबल्ड है, मोनेटाइजेशन अभी डिसेबल्ड है, 4000 और वॉचर और 1000 घंटे की ज़रूरत होती है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लाइव स्ट्रीमिंग अनेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग को अनेबल करना पड़ेगा, आप यहां से कर सकते हैं। एम्बेडेड लाइव स्ट्रीमिंग भी अनेबल है। लॉन्गर वीडियोज़ यू कैन अपलोड वीडियोज़ लॉन्गर देन 15 मिनट्स, जी आप वेरीफिकेशन करेंगे तो फिर आप 15 मिनट से अबव जो लॉन्गर वीडियोस हैं उनको अपलोड कर पाएंगे। अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं, पहले ही फीचर अनेबल होता है। और जो अपलोडिंग का फीचर होता है, अपलोडिंग का फीचर भी पहले से ही अनेबल होता है अनलिस्टेड प्राइवेट वीडियोस का भी। कस्टम थंबनेल का वेरिफिकेशन के बाद एक्सटर्नल एनोशन लिंक टू द एक्सटर्नल साइट अनपर्स पार्टनर, ये भी पहले से अनेबल होता है। कस्टम यूआरएल आपके 100 सब्सक्राइबर, आपके 20 दिन आपके चैनल को हो गया, और साथ ही साथ आपका जो चैनल है 20 दिन का हो गया, आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक ना हो, आपके चैनल का आइकन लगाओ, आपके चैनल का ऑट लगाओ, तो आपका कस्टम यूआरएल अनेबल कर दिया जाता है। कंटेंट आईडी अपील, आप यहाँ से अपील कर सकते हैं जो आपके जब चैनल के कोई 1 लाख टू 2 लाख हो जाएंगे चैनल की मेंबरशिप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से रिटर्न टू द यूट्यूब स्टूडियो में जाकर आपको वहाँ से कुछ दिखा देता हूँ, अब कुछ बेसिक सेटिंग्स। ये देखिए ये आपका यूट्यूब, हेलो यूट्यूब स्टूडियो, गुड बाय क्लासिक स्टूडियो। क्लासिक स्टूडियो को अब डिसेबल कर दिया गया है। अब यहाँ से अगर क्लासिक स्टूडियो में फिर भी जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पहले देख लेना, डैशबोर्ड में आपने जो वीडियो अपलोड की है आपकी यहाँ शो होगी। यहाँ पर न्यूज़ वाले सेक्शन आपका यहाँ पर शो होगा,
जो ब्लॉग लिखते रहते हैं क्रिएटर आपके यहाँ पर शो होंगे, चैनल के एनालिटिक्स आपका यहाँ पर शो होगा। चैनल का एनालिटिक्स मैं आपको मोबाइल से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी और मोबाइल से भी एक जैसा है, क्योंकि आपको मोबाइल से भी कुछ समझाना है इसलिए एनालिटिक्स आपको मैं मोबाइल से समझाऊंगा। वर्ड्स न्यू स्टूडियो आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट टू द लाइव कंट्रोल रूम, और अपलोड मल्टीपल वीडियोस विद बैच वीडियोस, सी मोड अपडेट्स, जो स्टूडियो में अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको यहाँ पर शो होते रहते हैं, और क्रिएटर इनसाइड जो उनके अपना जो क्रिएटर चैनल है यहाँ पर है। ये डैशबोर्ड हो गया आपका, यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह होगी आप ये देख सकते हैं। यूट्यूब टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर अपना फीडबैक लिखें, अपना वो लिखें, स्क्रीनशॉट लगाएं और यूट्यूब टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। ये सेटिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। आपने जाना है ये वीडियोस वाले सेक्शन, ये कमेंट्स वगैरह, ये आपको अगली टैब पर डिग्रेड कर देता है। यहाँ से आप वीडियोस में जा सकते हैं, जो वीडियोस आपने यहाँ पर अपलोड की होंगी वो प्लेलिस्ट यहाँ पर एनालिटिक्स यहाँ पर शो कर सकते हैं चैनल का। ये देख सकते हैं चैनल का एनालिटिक्स फुल शो हो रहा है। आप यहाँ से 7 दिनों का चेक कर सकते हैं, 28 दिनों का कस्टम भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अप्रैल का, और ये देख सकते हैं रियल टाइम कितने व्यूज सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, रीच आपकी क्या है, इंप्रेशन आपके यहाँ पर दिखाएगा कि इस वीडियो के कितने इंप्रेशन गए, हर वीडियो के इंप्रेशन ज़्यादा से दिखाएंगे ताकि आपकी वीडियोस को रैंक करवाया जा सके और ग्रो भी हो। यहाँ से आप टॉप वीडियोस पर एंड सकते हैं, कार्ड्स प्लेलिस्ट, टॉप कार्ड्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑडियंस आप अपनी यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी ऑडियंस किस अकॉर्डिंगली आपकी ऑडियंस है, आप यहाँ से टॉप कंट्रीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सबटाइटल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद एज और जेंडर वगैरह यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो जो मेन बात है इसकी मोनेटाइजेशन की, मोनेटाइज अपने चैनल को कर सकते हैं। और आप यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कीवर्ड्स आपने किस तरह ऐड करने हैं, आपने अपने चैनल के कीवर्ड्स भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बताऊँगा कि आपने जो चैनल के कीवर्ड्स हैं उनको किस तरह ऐड करना है। चैनल के कीवर्ड से आपका चैनल रैंक होगा और आपके चैनल जो है ऊपर आएगा, आपका चैनल जो है किस तरह आपने चैनल के लिए कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये आपकी प्लेलिस्ट हैं, ये आपका एनालिटिक्स है, ये आपके कमेंट्स हैं, सब टाइटल्स आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए आप जो भी वीडियोस यहाँ पर होगी उसके सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, सब टाइटल आपकी वीडियोस को रैंक करवाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए सब टाइटल आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें, और यहाँ से आप सब टाइटल्स भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप चैनल की मोनेटाइजेशन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप जाकर ऑडियो लाइब्रेरी है, आप यहाँ से फ्री म्यूज़िक, फ्री सॉन्ग्स वगैरह यहाँ से, और जो भी नॉन कॉपीराइटेड होते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। ये गुड इनिशिएटिव है गूगल की तरफ, यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि बहुत से क्रिएटर को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। मोनेटाइजेशन के टैब में हम एंटर हो जाते हैं, मोनेटाइजेशन के टैब में देख सकते हैं आपको इस चैनल से अर्निंग करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, और ये आपकी जो लिमिट है
वो तकरीबन आपकी 12 महीनों के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस लिमिट को पूरा कर पाएंगे तो आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा और आप इधर से अर्निंग कर पाएंगे। इस वी कोर्स में मैंने आपके साथ यही शेयर करना था। मैं आपको अगली वीडियो में कीवर्ड्स ऐड करना बताऊंगा।